ओम गणपते नमः ओम गणेशाय नमः। दोस्तों सूर्य कर रहे हैं राशि परिवर्तन, सिंह राशि से निकल के जा रहे हैं कन्या राशि में। सूर्य के इस ट्रांजिट का सभी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों 17 सितंबर 2021 सुबह 1:13 AM दिल्ली के टाइम के अनुसार सूर्य अपनी राशि सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जा रहे हैं। सूर्य को पूरे प्लैनेटरी सिस्टम का किंग कहा जाता है, तो जब राजा मूव करता है तो उसके ट्रांजिट का सभी पे प्रभाव जरूर पड़ता है। सभी साइन जो हैं एक महीने के लिए अफेक्टेड होते हैं। उस ट्रांजिट का क्या असर रहेगा? सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का राजा है, इसको फादर सोल लीगो अथॉरिटी पावर गवर्नमेंट से भी जाना जाता है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम सर्वाइव करता है सूरज की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से, सूर्य की रेस की वजह से एंटायर सोलर सिस्टम सर्वाइव। इसके दोस्त हैं चंद्रमा बृहस्पति और मंगल। मरकरी की राशि वर्गो है कन्या राशि और बुध के साथ सूर्य न्यूट्रल है। सो सूर्य अभी जब कन्या राशि में जाएंगे तो इसके मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। सूर्य की दोस्तों मूवमेंट हो रही है फायरी साइन से, और कौन से साइन में? अर्धी साइन में। सो मरकरी का साइन एक प्रैक्टिकल साइन, एनालिटिकल साइन, मैच्योर। सो आप देखेंगे जो चीजें आपकी मैच्योरिटी की वजह से रुकी हुई है सूर्य वहां पे आने से वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन है, काफी लंबे टाइम से ये फंसा पड़ा है, तो जैसे ही अभी सूर्य ट्रांजिट करेंगे इसके बीच में कोई ना कोई रास्ता निकलने की बात होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि किसान आंदोलन का हल निकल जाएगा, मगर सरकारें इस बात पर कोई ना कोई बातचीत जरूर होगी। सो अभी टाइम है जो आपके इश्यूज पेंडिंग चल रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करने का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखने का, और इस समय में इस ट्रांजिट के दौरान अपने आप को लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का, पेंडिंग काम है उनको कंप्लीट करने का, कोई चैरिटेबल काम, क्योंकि कन्या राशि चैरिटी का भी साइन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप किसी की सेवा कर सकें, इस ट्रांजिट के अंदर आप वो भी काम कर सकते हैं। सो चलो दोस्तों देखते हैं जब ट्रांजिट होता है उस समय क्या पोजीशन होगी। मिथुन लगन पे सूर्य ट्रांजिट करेंगे और सूर्य का ट्रांजिट होगा कन्या राशि में। उस समय मरकरी और मार्स दोनों प्लैनेट साथ में होंगे, शुक्र लिब्रा साइन में होंगे, केतु स्कॉर्पियो में, राहु टॉरस में, सैटर्न और जुपिटर दोनों कैप्रिकॉन में। और इस एक महीने के ट्रांजिट के अंदर सूर्य का ट्रांजिट एक महीने का रहता है, सो इस एक महीने के ट्रांजिट के अंदर जुपिटर जो है वो 18 अक्टूबर को डायरेक्ट हो रहे हैं, सो इसके ट्रांजिट पीरियड में डायरेक्ट नहीं है, अभी वक्री चलेंगे। शनि 11 अक्टूबर को मार्की हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। मंगल 6 सितंबर से 22 अक्टूबर यानी कि जो एक महीने के पूरे ट्रांजिट में सूर्य और मंगल दोनों कन्या राशि में इकट्ठे रहेंगे। मरकरी जो कि अभी कन्या राशि में है 26 सितंबर से ये 22 सितंबर तक रहेंगे, इसके बाद लिब्रा में चले जाएंगे, 27 सितंबर को रेट्रो हो जाएंगे और वर्गो में एंटर करेंगे 2 अक्टूबर को। अभी ये वक्री चल रहे हैं और 18 अक्टूबर को ये मार्गी होंगे और 2 नवंबर को दोबारा तुला में प्रवेश करेंगे। सो इस पूरे ट्रांजिट के दौरान जो मरकरी है यानी कि बुध है 22 सितंबर तक सूर्य के साथ रहेंगे, फिर उसके बाद शुक्र के साथ चले जाएंगे और इसका रेट्रो पीरियड चलेगा 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक। तो वीनस जो है वो वर्गों में रहेंगे 5 सितंबर तक, 5 सितंबर के बाद वो लिब्रा में जाएंगे, 2 अक्टूबर तक लिब्रा में रहेंगे, इसके बाद ये
स्कॉर्पियो में केतु के साथ कंजंक्ट कर जाएंगे। सो दोस्तों, इस ट्रांजिट के दौरान सूर्य, बुध और मंगल, इनका कंजंक्शन रहेगा 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। सो भी हर साइन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट रहेगा उसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं एरीज साइन मेष राशि की। मेष राशि है, मेष राशि जो सूर्य है वो 5th हाउस के लॉर्ड है और 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब जानते हैं 6th हाउस होता है दुश्मन का, कर्जों का, डिजीज का। जब राजा वहां पे जाता है तो उन सब को काबू कर लेता है। जो नेटिव है वो सभी दुश्मनों को काबू कर सकता है, काम के मामले में सक्सेसफुल रहेगा। अभी यहाँ पे आप देखिए सूर्य और मंगल दोनों 6th हाउस में है, राजा और सेनापति दोनों दुश्मन के घर में गए हैं, तो इनके अंदर एनर्जी बहुत है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डेट, कोई डिजीज, उन सब को ये काबू कर लेंगे। एनर्जी का लेवल काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ये अपने नॉलेज, प्रैक्टिकल मैच्योरिटी के अनुसार कोई भी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। अगर ये लोन लेना चाहते हैं, कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, इस पीरियड के अंदर सिस्टम इनको सपोर्ट करता है। फैमिली और मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। जो कॉम्पिटिशन्स के अंदर अपीयर कर रहे हैं उनके लिए पीरियड अच्छा है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वो भी इसमें रिकवर होंगे। दोस्तों लव रिलेशन 5th हाउस लव रिलेशन को इंडिकेट करता है। जब उसका स्वामी 6th हाउस में जाता है तो उसकी उसमें कुछ झगड़े होने की संभावना बनी रहती है। जिनके साथ आपका लव अफेयर है उनके साथ अपनी ईगो में, अथॉरिटी में, गुस्से में उनके साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, अपने रिलेशंस को तोड़ सकते हैं। सो ये समय है अपनी ईगो को, अपने गुस्से को कंट्रोल करने का, स्पेशली जिनके साथ आप प्यार करते हैं, अपने बच्चों के साथ, उनके साथ इस समय गुस्से को कंट्रोल करना ठीक रहेगा। अदरवाइज सूर्य का ट्रांजिट 6th हाउस के अंदर एक अच्छा ट्रांजिट है। टॉरस साइन वृष राशि, अभी सूर्य जो राजा है 4th हाउस के, 4th हाउस होता है आपका फैमिली का, और ये ट्रांजिट कर रहे हैं 5th हाउस में मंगल और बुध के साथ। बुध का रेट्रोग्रेड पीरियड है 27th अक्टूबर से 18th अक्टूबर, वो थोड़ा सा सावधानी वाला है। 5th हाउस इज ए हाउस ऑफ एजुकेशन, लव, रोमांस, स्पेकुलेशन, मंत्र साधना, इसको बोलते हैं पूर्व पुण्य हाउस और बच्चों का घर। दोस्तों दो क्रूल प्लैनेट 5th हाउस में है, सो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा, मगर जो चीज़ें इमोशनल से जुड़ी है, जो सॉफ्ट फीलिंग है, उनके अंदर थोड़ी दिक्कत रहती है। एनर्जी का लेवल बहुत रहता है, मगर लव रिलेशन, चिल्ड्रन, उनके ऊपर कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है, उनके खराब होने की संभावना बनी रहती है। एजुकेशन में दे कैन डू वेरी वेल, सफलता इनके पैर चूमेगी, ये सफल रहेंगे, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। सीनियर्स के साथ आर्गुमेंट को अवॉइड करें। लव रिलेशन में अपने बच्चों के साथ आर्गुमेंट को अवॉइड करें। दोस्तों 5th हाउस होता है आपके स्टमक का, सो दो फायरी प्लैनेट वहाँ पे बैठ गए, सो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखें, ज़्यादा एसिडिक खाना नहीं खाएं और पानी का जो कंजप्शन है वो थोड़ा बढ़ा दें। बच्चों से, अपनी फैमिली से, अपने लव रिलेशन में, अपने सीनियर से गुस्से और ईगो के इशू के अंदर रिलेशन खराब मत करें। तो दोस्तों भी बात कर लेंगे जेमिनी साइन की, मिथुन राशि की। सूर्य 3rd हाउस के स्वामी है और 4th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहे हैं। 4th हाउस मदर, कंफर्ट, लग्जरीज, उसको बोलते हैं सुख स्थान। 3rd हाउस जो है वो एफर्ट का घर है, सो आपकी लाइफ की एफर्ट कहाँ जा रही है? आपकी लग्जरीज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी मदर के लिए। सो दो स्ट्रांग प्लैनेट आके बैठ गए 4th हाउस में, सो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लाइफ की लग्जरीज खरीद सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी चीज खरीद सकते हैं।
इसका सेवेंथ एस्पेक्ट आपके प्रोफेशन पे बैठता है। सो आपको सरकार से, सीनियर से, अथॉरिटी से सबसे सपोर्ट मिलेगी। आप अगर जॉब में हैं तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगी। अगर नौकरी नहीं लगी हुई तो इस पीरियड के अंदर नौकरी मिलने की प्रोबेबिलिटी बनती है, क्योंकि सेनापति और राजा अपना हाउस ऑफ प्रोफेशन को देख रहे हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनकी मान सम्मान बढ़ेगा। दोस्तों एक बात याद रखें, इस पीरियड में फैमिली लेवल पे कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करें। यह जरूर है कि आप अपनी फैमिली के लिए कुछ काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मगर उससे उनको ईगो मत दिखाएं। एनर्जी बहुत है, उसको कंट्रोल करने की भी हिम्मत रखें, नहीं तो ये फायर सब कुछ जला सकती है। मदर की हेल्थ का ख्याल रखें। जिनसे आप अटैच्ड हैं उनके साथ कोई ईगो क्लैश मत रखें। जो बोलते हैं उससे पहले थोड़ा सोच लें, और कोई भी हीटेड आर्गुमेंट, स्पेशली अपनी वाइफ, अपनी मदर, उनके साथ नहीं रखें, तो ये ट्रांजिट आपको अच्छे रिजल्ट देगा। सो दोस्तों ये तो था जेमिनी साइन। बात करेंगे कैंसर साइन की। कैंसर कर्क राशि, सूर्य सेकेंड हाउस के स्वामी है, थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। पैसे का जो राजा है वो एफर्ट के घर में काम कर रहा है। सिबलिंग्स, शॉर्ट ट्रिप्स, सो पैसा कहाँ पे खर्च करेंगे और पैसा कहाँ से आएगा? आपको आएगा आपके ट्रेवल से, आपके घूमने फिरने से, आपकी मेहनत से। सो अपनी मेहनत से आप पैसा कमाएंगे और उसके लिए आप पैसा खर्च भी करेंगे। सो जो लोग कोई नया काम करना चाहते हैं, नया वेंचर खोलना चाहते हैं, वो इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सूर्य और मंगल दोनों थर्ड हाउस के अंदर अच्छे रिजल्ट देती है, क्योंकि थर्ड हाउस एफर्ट का घर है और दोनों प्लेनेट ताकत के प्लेनेट हैं। तो दोनों आपको बेनिफिट देंगे। नाइन्थ हाउस पे इनका एस्पेक्ट है, सो भाग्य आपको साथ देगा। भाग्य आपको इसलिए साथ देगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिप चलते रहेंगे, परिवार से आपको दूर जाना पड़ सकता है। आप अपनी कम्युनिकेशन, अपनी स्किल्स, अपनी मेहनत से नए कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, नई डील्स इस पीरियड के अंदर आप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। वो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए अब्रॉड जा सकते हैं, किसी ज़्यादा डिस्टेंस पे जो अच्छा स्कूल कॉलेज है वहाँ पे जा सकते हैं। इस पीरियड के अंदर कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हेल्थ जनरली इस पीरियड के अंदर ठीक रहेगी। सो जो कैंसर साइन है उनके लिए ओवरऑल एक अच्छा ट्रांजिट है, जिनके अंदर उनकी हेल्थ ठीक रहेगी, पैसा, नाम, शोहरत सोसाइटी में वो कमा सकते हैं, अपने परिवार के लिए वो कुछ करेंगे और उनको उसका क्रेडिट मिलेगा। सो दोस्तों बात करेंगे लियो साइन की। लियो साइन सिंह राशि, सूर्य राशि के स्वामी है। फर्स्ट हाउस लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सेकंड हाउस होता है आपका फैमिली का, वेल्थ का, स्पीच का। सन एंड मार्स कंजंक्शन सेकंड हाउस के अंदर, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है पैसा कमाने का, बहुत ज़्यादा पैसा लाने का, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपनी एफर्ट से। प्रॉपर्टी के काम के अंदर इस पीरियड में आप पैसा कमा सकते हैं। स्पेकुलेशन, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, उससे आप पैसा कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए सूर्य आपके चार्ट के अंदर वेल प्लेस्ड है, यानी कि लगन में थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, नाइन्थ और इलेवेंथ हाउस में, तो आप इस पीरियड में स्पेकुलेशन से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इम्प्रूव होगी, मगर आपको अपनी टोन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। हर आदमी आपका गुलाम नहीं है, वो आपकी ईगो अथॉरिटी को नहीं झेलेगा। तो अपनी टोन को कंट्रोल करें। अगर आप बाहर कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा चांस है। फॉरेन लैंड से आप पैसा कमा सकते हैं। एजुकेशन के अंदर आप अच्छा करेंगे, आपका सोसाइटी के अंदर स्टेचर बढ़ेगा। फैमिली मेम्बर के साथ आर्गुमेंट नहीं करें, अपनी और अपने मदर की हेल्थ का ख्याल रखें। एजुकेशन, फाइनेंसेस, लर्निंग, इन चीज़ों के लिए सूर्य मंगल के साथ, एनर्जी के साथ, आपको अपनी एफर्ट की वजह से
अच्छे रिजल्ट देगा और आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, एजुकेशन कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ओवरऑल ट्रांजिट इज गुड फॉर लियो साइन। सो दोस्तों, अभी बात करेंगे वर्गो साइन की। वर्गो यानी कि कन्या राशि में सूर्य 12th हाउस के लॉर्ड है और ट्रांजिट करेंगे 1st हाउस में, लगन में। लगन क्या होता है? लगन आपकी पर्सनैलिटी, आपका नेचर, आपकी ईगो, अथॉरिटी। सो आपके जो आत्मा है, एनर्जी सेंटर है, वो लगन में है और साथ में कौन है? मंगल। सो आप पूरे एनर्जी से भरे हुए हैं, आपके अंदर बहुत ईगो है, अथॉरिटी है, पावर है, कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज़्यादा है। आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे किस पे करेंगे? आप सैर करने पे, अपने ऊपर। कोई आपके दिमाग के अंदर कोई आइडिया है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इस टाइम के अंदर उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। आपके खर्चे बढ़ेंगे मगर उसके बाद भी कमाई भी आपकी बढ़ेगी। मैरिड लाइफ, फैमिली रिलेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों गर्म प्लैनेट हैं, दोनों सेपरेटिस्ट हैं। मंगल मांगलिक दोष देता है, सूर्य भी सेपरेटिस्ट है। ये 7th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट करेंगे। सो 7th हाउस किसका है? वो आपकी मैरिड लाइफ का है, आपके लाइफ पार्टनर का है। जब ये दोनों उसके ऊपर एस्पेक्ट करेंगे तो आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ, आपके मैरिड रिलेशन में गर्मी आ सकती है, तलखी आ सकती है। सो बेटर क्या है? अपने लाइफ पार्टनर के साथ आर्गुमेंट अवॉइड करें। अगर हो सकता है कहीं ट्रिप, ऑफिशियल ट्रिप बैठता है तो थोड़े दिन दूर चले जाएं। लाइफ पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। गर्मी के हीट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो पानी पिए, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर लिक्विड। अदरवाइज ये ट्रांजिट अच्छा ट्रांजिट है। आपका नाम, नेम एंड फेम, दैट विल इम्प्रूव। बात करेंगे लिब्रा, तुला राशि, सूर्य 11th हाउस के लॉर्ड है, 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 12th हाउस क्या होता है? फॉरेन का, गेंस, फॉरेन से मिलने वाले लाभ, स्पिरिचुअलिटी, एक्सपेंडिचर, खर्चे। 12th हाउस खर्चे का घर है। जब 11th हाउस का लॉर्ड, यानी कि आपको जहां से लाभ मिलना है, लाभ कहां से मिलना है? आपको लाभ मिलेगा विदेश से, आपको लाभ मिलेगा मेडिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एजुकेशन, स्पिरिचुअलिज्म, इन चीज़ों के अंदर आपको लाभ मिलेगा। सो दोस्तों, इस पीरियड के अंदर खर्चा बढ़ेगा। खर्चा किस लिए बढ़ेगा? आपके कुछ लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज हैं, उनको पूरा करना है। हो सकता है कोई पुराने बिल्स पेंडिंग हो, आपकी हेल्थ पे, ट्रेवल्स पे। आप कोई धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, कोई दूर यात्राएं कर सकते हैं। सो जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। आप अपने लाइफ पार्टनर से कुछ दूर हो सकते हैं। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है क्योंकि मंगल सूर्य की कंबाइंड एनर्जी जो है वो 7th हाउस पे आती है। पार्टनरशिप इश्यूज के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपको अपने पार्टनरशिप के अंदर, बिजनेस पार्टनर या मैरिड पार्टनरशिप, दोनों के अंदर सावधान रहना है। खर्चे बढ़ेंगे, इनकम भी बढ़ेगी। सो डोंट वरी। इस पीरियड में कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट का मत सोचिए क्योंकि उसके अंदर कुछ रिस्क बना रहेगा। दोस्तों, इस पीरियड के अंदर आपको थोड़ा सा दिक्कत रहेगी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करने के लिए। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। 12th हाउस कोई मेडिकल प्रॉब्लम को भी इंडिकेट करता है। सो हेल्थ का ख्याल रखें। सो अभी बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सूर्य 10th हाउस के लॉर्ड हैं, ट्रांजिट करेंगे 11th हाउस में। प्रोफेशन के घर का स्वामी अगर हाउस ऑफ गेंस में चला जाए तो आप समझें आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो भी आपके अंदर, दिमाग के अंदर अपने प्रोफेशन के बारे में कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो सब इस पीरियड के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप उन सभी प्रॉब्लम से फ्री होंगे। प्रोफेशनली ये आपको जो ट्रांजिट है बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपके सोशल कनेक्शंस, आपके सिबलिंग्स,
आपको सोशल फ्रंट पे, आपको प्रोफेशनल लेवल पे बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। आपको सफलता मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, हायर अथॉरिटी से आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, आपकी प्रोफेशनल लेवल पे जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी, लाइफ के अंदर आपको पॉजिटिविटी बनी रहेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके रिलेशनशिप जो हैं फैमिली में, परिवार में, बच्चों में बढ़ेंगे। ये पीरियड आपकी फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, हेल्थ के लिए ये एक अच्छा ट्रांजिट है। बच्चों की हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखें, अदरवाइज अगर आपके बच्चे एजुकेशन में हैं या आपकी अपनी एजुकेशन के मामले में, आप सफल रहेंगे। सूर्य और मंगल दोनों ही 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, और जब हाउस ऑफ प्रोफेशन का लॉर्ड 11th हाउस में आ जाए तो आप समझें कि आपके फाइनेंसेस, आपका प्रोफेशन, आपकी हेल्थ, ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए ये ट्रांजिट अच्छे रिजल्ट लेके आया है। इस पीरियड के अंदर आपके पेंडिंग काम्स हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, आप उनमें सफल रहेंगे। बात करेंगे धनुराशि की। धनुराशि सूर्य 9th हाउस के लॉर्ड हैं, ट्रांजिट करेंगे 10th हाउस में। 10th हाउस कैरियर, नेम, फेम। सूर्य और मंगल 10th हाउस में, कर्म स्थान के अंदर दो एनर्जी सेंटर आ गए, तो आपको हाउस ऑफ प्रोफेशन काम के मामले में आपको आपकी मेहनत की वजह से एप्रिसिएशन मिलेगी। आपके जो सीनियर हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप अपने प्रोफेशन में अच्छा काम कर सकेंगे। अभी तक जो आपने मेहनत की है उसके अंदर ये पीरियड रेकोगनीशन का पीरियड है। अगर आप प्रमोशन के लेवल पे हैं तो इस पीरियड में आपको प्रमोशन मिल सकती है। दोस्तों इसका आस्पेक्ट 4th हाउस पे आता है, तो दो मैलेफिक 4th हाउस को आस्पेक्ट कर रहे हैं। मदर की हेल्थ का ख्याल रखें, परिवार में, अपने फैमिली में कोशिश करें ईगो, अथॉरिटी, गुस्सा ना दिखाएं, मदर के साथ बातचीत करते रहें, परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते रहें। प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर ना करें। इस पीरियड में आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई नया एजुकेशन, कोई कोर्स, कोई कुछ भी जिससे आपका ज्ञान बढ़े वो कुछ आप कर सकते हैं। आपके बच्चे इस पीरियड में दे विल डू वेरी वेल, उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। अगर आपके कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वो सब ठीक होंगे। सो ओवरऑल सेजिटेरियस साइन के लिए जो ट्रांजिट है अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, बट ट्राई टू कीप ए बैलेंस बिटवीन द प्रोफेशनल लाइफ एंड योर फैमिली लाइफ। सो बात करेंगे कैप्रिकॉन साइन की। मकर राशि, सूर्य 8th हाउस के स्वामी है, 8th हाउस का स्वामी 9th हाउस, हाउस ऑफ लक के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, सो यह भाग्य के अंदर कुछ ना कुछ रुकावटें डालेगा, कहीं ना कहीं आपको रुकावट, दिक्कत देखने को मिल सकती है। जहाँ तक इस पीरियड के अंदर कोई धार्मिक यात्राएं कर सकता है, 8th हाउस वसीयत को भी इंडिकेट करता है, सो इस पीरियड के अंदर कोई वसीयत, इनहेरिटेंस का इशू रेज हो सकता है। उस इशू को एक आधा महीने के लिए रोक लें, इस पीरियड के अंदर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश ना करें। फादर की हेल्थ का ख्याल रखें, अगर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर कोई आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको पोस्टपोन कर दें। इस पीरियड में थोड़ा शांत रहें, अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज करें, कोई मेजर डिसीजन इस पीरियड में नहीं लें। हो सकता है आपको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने शेयर में की हो, स्पेकुलेशन में हो, इंश्योरेंस के अंदर हो, उसके अंदर से आपको कहीं पैसा आ जाए, मतलब अनअर्नड मनी आने का चांसेस बनते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ, स्पेशली अपने इन-लॉज के साथ, ससुराल वालों के साथ फालतू की आर्गुमेंट इस पीरियड के अंदर अवॉइड करनी चाहिए। जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए,
उनके लिए इस पीरियड के अंदर प्रोबेबिलिटी बनती है। हेल्थ इश्यूज जातकों को तंग कर सकते हैं, तो कोशिश करें रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपने आप को एक्टिव रखें, तभी आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं उनको आप कंट्रोल कर पाएंगे। सो कैप्रिकॉर्न साइन के लिए जो पीरियड है थोड़ा सावधान रहने का है और सावधानी से चलें। बात करेंगे एक्वेरियस साइन की, कुंभ राशि की। कुंभ सूर्य जो है वो सेवंथ हाउस का लॉर्ड है और एट्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। एट्थ हाउस आपका हाउस ऑफ ऑब्स्टेकल्स, एक्सीडेंट्स, हिडन हाउस, ओकल्ट स्टडीज, इनहेरिटेंस। सेवंथ हाउस होता है आपकी मैरिज का, आपके लाइफ पार्टनर का, आपकी पब्लिक के अंदर पर्सनैलिटी, आपकी रेपुटेशन का। सो ये चीज़ें आपकी रुकावट में जा रही हैं। सो कुंभ राशि के लिए जो फैमिली इश्यूज हैं उनके अंदर दिक्कत हो सकती है। मैरिड लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपको कई चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। चैलेंजेस आप उनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, एकदम से कोई नई प्रॉब्लम आ सकती है जो आपने अभी तक सोची नहीं है। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं वो उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, वो सक्सेसफुल रहेंगे। दोस्तों एट्थ हाउस इंट्रोवर्ट है, जो भी चीज़ इंट्रोवर्ट से जुड़ी है उसके अंदर सफलता मिलेगी, चाहे स्पिरिचुअलिज्म हो, रिसर्च हो, मेडिटेशन हो। और जो चीज़ एक्स्ट्रोवर्ट है जैसे आपके फैमिली के साथ रिलेशन, आपकी हेल्थ, उन चीज़ों के अंदर आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। कोई लीगल मैटर के अंदर आप फंस सकते हैं। ट्रैवलिंग को अवॉइड करें जहाँ तक हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। कोई हेस्टी डिसीजन, जल्दबाजी में डिसीजन ना लें। कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिल सकते हैं, स्पेशली अपने इन लॉज की तरफ से, कोई इंश्योरेंस एक्टर की तरफ से। हेल्थ वाइज अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम होने की इंडिकेशन है। अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ख्याल रखें और रिलेशंस को मेंटेन रखें। मेडिटेशन करें, ये पीरियड थोड़ा आपको अपने ऊपर फोकस करने का, इंट्रोवर्ट होने का समय है, इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रोवर्ट मत हों। बात करेंगे पाइसेस साइन की। मीन राशि, सूर्य सिक्स हाउस के स्वामी हैं, सेवंथ हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सिक्स हाउस लड़ाई झगड़ा, रोग रिपोर इन बोलते हैं। सो सेवंथ हाउस के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। सो आपकी मैरिज, पार्टनरशिप, इनके अंदर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। लगन पे ट्रांजिट होने की, लगन पे आस्पेक्ट होने की वजह से ये चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करेंगी, आपके ईगो को दबाने की कोशिश करेंगी। आप फॉल्स ईगो के अंदर, अपनी मैरिड लाइफ के अंदर कोई दिक्कत पैदा कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े को अवॉइड करना है। फॉल्स ईगो के चक्कर में अपने रिलेशन अपने लाइफ पार्टनर के साथ खराब नहीं करने हैं। कोई कर्जा नहीं लेना है, कर्जा लेंगे तो लंबा चल सकता है। कोई लीगल मैटर अगर आपका कोई चल रहा है तो उस लीगल मैटर को इस पीरियड के अंदर आपने अवॉइड करना है। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना है। कम्युनिकेशन चैनल को ओपन रखना है। सो दोस्तों ये तो था सभी राशियों पे पड़ने वाला प्रभाव सूर्य के ट्रांजिट का। ये जनरल हम प्रेडिक्शन की बात करते हैं क्योंकि इंडिविजुअल के चार्ट के अंदर सभी ग्रहों की जो नेटल पोजीशन है वो अलग होती है, उसके अनुसार रिजल्ट आपको अलग देखने को मिल सकती है। इस ट्रांजिट के अंदर जनरली हम एक प्लेनेट और उसके साथ कुछ कंजंक्शन के अनुसार प्रेडिक्शन करते हैं और ये भी काफ़ी हद तक इफेक्टिव होती हैं। आप अपने पर्सनलाइज चार्ट के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल आप वीडियो में देख सकते हैं और इसके अलावा हमारी साइट है astrojeeva.com, उसके अंदर भी आप ट्रांजिट को देख सकते हैं। दोस्तों आप अपने कमेंट क्वेरीज देना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।